इतना बड़ा ग्रुप को आगे थोड़ा पीछे लो ना, वाइड है, थोड़ा वाइड करेंगे, थोड़ा वाइड करेंगे, थोड़ा पीछे ना जीतू, थोड़ा पीछे ना, सो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हिमांशु जी पाचल आ गए। हाँ उसको बोलना जरा घूमती हूँ कि चल भाभी चल बात वो नहीं है, गाड़ी भी जो भी चलेगा मेरा क्या जा रहा है, लेकिन जब सुने एक बार वो रहेगा हाँ मेरे पहचान के हैं ना। क्या कहना चाहेंगे? जे जे बोलो बोलो, खिजाओ तो खिजा ही लो। ओके, कोई सबके लिए कराए, अच्छा है सबको, सब अच्छा हो जाए, इसे गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, બધાને સારું થઈ જાય એવું સારું, અને આ બધા માટે સેવા છે અને બધાને અમને આશીર્વાદ મળે છે બસ એવું અમને જોઈશું બસ। શરૂઆત કેવી રીતે કરી અને આટલા બધા લોકો અહીંયા છે તો લડકી કો પૂછતે ખાલી ઇનકા બસ નામ હે દર્શકા ઇનકા બોલ સબ મેરા લડકા સબ કરતા હે મેરે કો પૂછે ઇનકા ઓ ચલો તે માટે પહેલા સબકો કવર લડકાને સબકો કવર કરો વિઝ્યુઅલ લે લો બાદ મે લે લેતે ના બાદ બાદ મે લે લેતે પહેલા બાઇટ કર લેતે પહેલા વિઝ્યુઅલ લે લો। ऐसा लेना कि सबका आ जाए ऐसा, फिर ऐसा बीच बीच में सर क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में और शुरुआत कैसे की आप? सबसे पहले तो मैं मेरे माता जी का मेरे पे आशीर्वाद है। दूसरे यहाँ पे आए हुए लीना बेन पटेल, योगेश भाई, उनकी मम्मी और हमारे पूरा परिवार और पूरे डॉक्टर्स की टीम की ओर से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये चीज़ का जो आइडियाज़ वगैरह है, पर बचपन से ही मुझे शौक़ है सोशल एक्टिविटी करना, और बहुत सारे सब ये सब बड़े बड़े लीना बहन योगेश भाई सबका मुझे सपोर्ट मिला, वो भी यहाँ पे मैं प्रोग्राम करते रहता हूँ और पूरा सक्सेस का सही तो उनको जाता है। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या उपलब्धि है यहाँ पे, सर्विसेज क्या क्या है, आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत हर तरह के डॉक्टर्स आते हैं, स्किन के आते हैं, थायरॉइड्स के आते हैं, डायबिटीज़ के आते हैं। हम लोग अभी एक नया कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, डिसेबल बच्चे का डिजिटल स्कूल बना रहे हैं, जो डिसेबल बच्चे रहते हैं उसको नॉर्मल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे डॉक्टर्स का भी दावा है कि वो काम हम कर सकते हैं। बच्चा अपने आप खाना पीना नाना धोना अपना खुद काम करके इतना नॉर्मल तो हम लोग जरूर बना सकते हैं उसे, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है।
डिजिटल कॉन्सर्ट चालू होने वाला है? हमारा जून से चालू होना है ना, जून से चालू होगा। बोरीवली में चालू करने वाले। योगेश सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे जुड़े हैं इस? मैं आज फर्स्ट टाइम इनके साथ आया हूँ, लेकिन मैंने जैसे सुना कि ये लोग फ्री मेडिकल कैंप करते हैं और महीने में हर एक बार दो बार ये लोग ऐसे फ्री मेडिकल कैंप करते हैं जिसमें कुछ भी तरह की फैसिलिटीज जो रहती है गरीब लोगों के लिए वो लोग निस्वार्थ और फ्री देते हैं, तो जैसे मुझे मालूम पड़ा कि इतना अच्छा NGO, इतने अच्छे इंसान है और इतना अच्छा काम है तो मुझे जुड़ना चाहिए। तो मेरा आज पहला दिन है, मैं आज समझता हूँ और फिर आगे जो भी इनको सपोर्ट लगेगा मैं 100% करेगा और जो भी पब्लिसिटी, फाइनेंस, मीडिया और जो मेरे से हो सकेगा मैं करेगा। सर आप कुछ बताना चाहिए किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे दीजिए, कौन सी कौन सी बीमारी की इलाज की जाती है यहाँ पे और सभी कास्ट को यहाँ पे दिया जाता है? यहाँ पे बीमारी में कोई कास्ट का संबंध नहीं होता है, खाली बीमारी को देखा जाता है और हमारा ज़्यादा करके मोटिव हुई रहता है कि बीमारी को हम लोग जड़मूड़ से निकालें, बीमारी को बिजनेस नहीं बनावे और कम से कम उसे दवाई में खर्चा करना पड़े और अपने होममेड जैसे घरगुतु इलाज बोलते हैं वो घरगुतु इलाज करके अपने दर्द को मिटावे, वो हमारा बड़ा मोटिव कॉन्सेप्ट है। योगेश जी आपके संस्था से जुड़े हैं तो कुछ कहना चाहिए? योगेश भाई के लिए तो मेरे ख्याल से सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होती है। एक्चुअली ये जो है ना, आप पहले जयाबेन पॉलिटेक्निक जो क्लिनिक है उसके बारे में सब अपन सवाल करते हैं और उनके लिए गरीब लोग के लिए क्या कर सकते हैं, क्या फैसिलिटी है, क्या है, तो बिना बेन है यहाँ बीजेपी से क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है योगेश जी भी जुड़े हैं। जयाबेन पॉलीक्लिनिक हमेशा कुछ ना कुछ हर संडे उनका कैंप रहता है, यानी कि आज ही है, गए संडे उन्होंने सुवर्ण प्राशन का कैंप रखा था, उसके पहले उन्होंने पोलियो का रखा था, उसके पहले उन्होंने एक्यूप्रेशर के साथ रेकी और नेचुरोपैथी का भी रखा था, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ लेते हैं। आज उन्होंने थायराइड और डर्मेटोलॉजिस्ट लिया है, लेकिन आज से ब्राइट आउटडोर मीडिया भी जो ज्वाइन हुई है, मैं योगेश भाई को कहूँगी कि यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इसके लिए अगर वो ज़्यादा करेंगे तो ये एरिया जो ये वार्ड है वार्ड नंबर 30 और उसके बगल में वार्ड नंबर 31 है वहाँ पे ज़्यादातर स्लम्स है और ये लोअर मिडिल क्लास वाले रहते हैं जिनका 16,000 से 20,000 रुपये आमदनी है, तो ये महिलाओं को कैंसर नहीं हुए इसलिए जो इंजेक्शन है उसके लिए वो हेल्प करेंगे और जयाबेन पॉलीक्लिनिक के मार्फत वो करेंगे, हम खुश रहेंगे और पब्लिक को भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे कम से कम हर कैंप में 350 से 400 लोग फ़ायदा लेते हैं, हर बार मैं आती हूँ, हर संडे आती हूँ और हर संडे देखती हूँ कि इतना ही रश रहता है। तो ऑल द बेस्ट टू जयाबेन एंड योगेश भाई ने तो हेल्प करना ही चाहिए, CSR के माध्यम से करो या कैसे भी करो, तो पब्लिक में अवेयरनेस जाएगा और पब्लिक को फ़ायदा होगा। आप अपनी तरफ से क्या सपोर्ट देने वाले हैं? मैं सिर्फ जब मेरे को जयाबेन पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर दिलीप भाई अमलानी बोलते हैं तो मैं माउथ कैंपेनिंग हमारे कार्यकर्ता को बोल देती हूँ, यहाँ कैंप है आप पब्लिक को भेजो, तो क्या पब्लिक के लिए वो करते हैं, वो पहुँच नहीं सकते पब्लिक तक, वो बैनर लगाते हैं लेकिन ज़्यादातर बैनर पढ़ते भी नहीं है कभी कभी लोग, इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी बाजू में बैठी है चंद्रिकाबेन, सुबह 2-4 कार्यकर्ता और आए थे, उनको एरिया में प्रोपागंडा माउथ कैंपेनिंग हम करने को बोलते हैं, अगर कोई पैम्फलेट देते हैं तो हम पैम्फलेट भी हमारे कार्यकर्ता के मार्फत हम भेज देते हैं एरिया में, लेकिन उनका ही पैम्फलेट रहेगा, सिर्फ कार्यकर्ता काम करता है। थैंक यू। हाय, वो मेडिकल ऑफिसर जयाबेन। डॉक्टर एकता सिमारिया, मेडिकल ऑफिसर ऑफ जयाबेन पॉलीक्लिनिक। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितनी कैंप्स हो सके लोगों को अवेयरनेस के लिए, लोगों को हेल्प हो सके अलग अलग कैंप्स के लिए। यहाँ पे हमने शुरुआत पोलियो कैंप से की, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों को काफ़ी चीज़ों से अवेयरनेस दे सके। फिर उसके बाद हमने एक्यूप्रेशर, फिर दूसरे आज हमने स्किन और थायराइड का कैंप रखा है, तो थायराइड रिलेटेड डिजीज़ जो लोगों में अवेयरनेस इसमें प्रोड्यूस हो सकती है कि क्या क्या होता है, जिसको नहीं पता है क्या है, उसके लिए आज काफ़ी हेल्पफुल है। एंड स्किन की भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो लोगों जानना चाहते हैं, मतलब पता नहीं होती है, तो आज हम उसके लिए प्री कंसल्टेशन रखा है, सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल सबके लिए। सब कुछ हेल्प दिलीप भाई सर से ही, ही इज हेल्पिंग अ लॉट और उनके थ्रू ही ये सब कर पा रहे हैं हम, ये लोगों को जो अवेयरनेस देना है सब कुछ इनके थ्रू ही हो पा रहा है। इज गिविंग मैनी फैसिलिटीज़ टू ऑल ऑफ देम कि लोगों को सब हम
स्प्रेड कर सके इस चीज़ों के बारे में। जब ये इनिशिएटिव के बारे में बताया तो आपका क्या रिएक्शन था? या इट इज़ वेरी नाइस कि लोगों को एटलीस्ट जो नहीं पता है काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में, तो इस चीज़ों से हम बता सकते हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं। वो लोगों को स्प्रेड करना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सिम्टम्स होते हैं लेकिन नहीं पता होता है कि हमें क्या बीमारी है नहीं है। एटलीस्ट फ्री कैंप से लोग आते हैं कि हमें क्या है, हम एटलीस्ट जान तो सके कुछ है कि नहीं है, वरना लोग कुछ हुआ है छोड़ देते हैं। पर एटलीस्ट कैंप में वो लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कुछ है नहीं है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, कुछ है तो एटलीस्ट पता चलता है और उसकी ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है सब लोगों को। तो ये हर वीक में होने वाला है, तो मोटो क्या है? यस, एटलीस्ट लोगों को पता चले, एटलीस्ट लोग अवेयर हो सके कि क्या बीमारी है, उनको पता चले तो शायद से दवाई ले सके, वरना फिर काफ़ी एंड हो जाता है, अंदर काफ़ी तकलीफ बढ़ जाती है, उसके बाद लेने के बाद ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो पाती। जितनी जल्दी लोगों को पता चल सके कि हमें ये बीमारी है और हम जल्दी ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना और बढ़ने के बाद इजीली सब क्योर नहीं हो पाता है, फिर बहुत समय लग जाता है या इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो जितनी जल्दी अच्छे से स्प्रेड हो सके अवेयरनेस वो ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर बनीने शू करवा आगे जाइने डॉक्टर बनवा तो शू करवा डॉक्टर बनी डॉक्टर शू करे શું ટ્રીટમેન્ટ કરે છે બચ્ચાઓની ડોક્ટર બનકે ક્યાં કરના હે આગળ ઇન્જેક્શન મારશે યુ હેવ ટુ સેવ ધ ચાઇલ્ડ એન્ડ યુ હેવ ટુ સેવ ધ મેડિકલ એન્ડ સો આઈ વિલ સેવ મેડિકલ હેવ ધ મેડિકલ સેવ એન્ડ આઈ વિલ સેવ માય દાદા એન્ડ માય और यहाँ पर जयाबेन पॉलीक्लिनिक में एज अ थायराइड स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। आज हमने एक फ्री मेडिकल कैंप रखी है यहाँ पर, जहाँ पर लोगों में थायराइड के रिलेटेड, थायराइड के बीमारियों के रिलेटेड जागरूकता रखी है हमने। जिनको थायराइड के लक्षण है वो लक्षण वो आकर बताएं और उनको पता चले कि थायराइड है उनको या नहीं है वो कन्फर्म हम बता सकें। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर मेडिकल टेस्ट रखे हैं और मेडिकल टेस्ट में भी हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं आज, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए कि उनको थायराइड है और उनके लिए उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी दवाएं लेनी है और कितने टाइम में वो ठीक हो पाएंगे, वो हम यहाँ पर उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस के लिए है। तो ट्रीटमेंट के अलावा अवेयरनेस कैसे फैलाने वाले हैं लोग? यहाँ पे 300-400 लोग तो हर वीक में आए हैं, बराबर अलावा कैसे आप अवेयर करने वाले हैं? अवेयरनेस वैसी है कि उनके जैसे लक्षण हैं, उनको जो लक्षण है वो थायराइड की कौन सी बीमारियों के लक्षण हैं, पहले तो वो उनको अवेयर करवाए कि उनको कौन सी तरह की बीमारी है, उसके बाद उसके लिए क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट प्लान कर सकते हैं, वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर थायराइड के वैल्यूज़ जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उनकी दवाइयाँ चालू करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिलीप भाई, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। मैं दिलीप भाई जाया क्लिनिक में अभी स्टार्ट किया है, 3 हफ्ता फ्री सेवा दिया, उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिला। जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो, वजन कम करने के लिए उसका बहुत बिना दवा से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। 900 पे प्रेशर देते हैं तो 900 पे ट्रीटमेंट देने से डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाता है, थायराइड भी कंट्रोल होता है, हार्ट की तकलीफ, हार्ट का ब्लॉकेज भी निकल जाती है। लेकिन उसका कुछ पीरियड रहता है, 2-3 महीने का कोर्स रहता है, और ट्रीटमेंट पूरा ठीक करने से ठीक हो जाता है। और इसमें कुछ टाइमिंग की ज़रूरत नहीं, अपने आप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे हर महीने का लास्ट संडे फ्री ट्रीटमेंट रखते हैं, बाकी मंगल गुरुवार को यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट देते ही है और अच्छा रिजल्ट आता है। और जहाँ भी आप मेरी जरूरत पर हम लोग वहाँ पे फ्री कैंप लगाते हैं, ज़रूरत पड़े तो हम लोग को बुलाए, योगेश भाई को भी बुलाया, उसको भी बोला, और हम लोग खुद दिल से आने वाले हैं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग घर बैठे आपको सिखाया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है, बस यही बात। अच्छा लड़के और नारी डॉक्टर और
an Ayurvedic doctor practicing here. My name is Dr. Rachna Jajal, and I'm practicing here as an Ayurvedic physician. Jayabhin Polyclinic is doing a very good work. It has just started, but it doesn't seem like that it has just started. बहुत सारे अच्छे response मिल रहे हैं. Every year we get very good number of patients. So I wish good luck to Jayabhin that it should move further and further. We are a good doctors of team. और last week हम लोग ने सुवर्ण प्रशन का camp रखा हुआ था. We got a very good number of kids. 116 kids ने सुवर्ण प्रशन का लाभ लिया हुआ था. और उसमें हमने बहुत सारे पेशेंट पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि बच्चे हमारे जो है वो कंसंट्रेशन नहीं है उनका वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. तो फॉर दैट वी आर डूइंग अ नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ ब्रेन एंड माइंड एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर किड्स. तो उसमें हम एक हफ्ते का फ्री कैंप रखेंगे बच्चों के लिए. वील टेक अराउंड 10 to 15 क्विक किड्स और उनको हम 2 to 3 आवर्स का जो सेशन है वो उनको देंगे. And after that, we'll review the kids for their concentration, for their memory. And agar ye successful raha, then we'll continue this program and it's open for all. Thank you. चलिए सर आप सामने देखिए. हाथ आ रहा है निशान पीछे. या सर थैंक्स सर. थैंक यू. ले 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 सर.